हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे यूट्यूब चैनल एस खान सरना का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे वाहन बीमा के बारे में। वाहन बीमा क्या होता है, वाहन बीमा कैसे करवाना चाहिए, वाहन बीमा में क्या क्या करवाना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद दोस्तों। वाहन बीमा, मोटर इंश्योरेंस। दोस्तों, भारत में इंजन से चलने वाली किसी भी गाड़ी का बीमा करवाना जरूरी है, बल्कि अब तो इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाले वाहन ईवी का बीमा करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी बिना बीमा के पकड़ी जाती है तो आप पर 2,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है और गंभीर लापरवाही में जेल भी भेजा जा सकता है। वाहन बीमा पॉलिसी का सबसे अधिक फायदा आपको तब होता है जब आपके वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग गई या किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो। इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी दो पहिया, तिपहिया वाहन या कार है तो उसका बीमा जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों, ये जो वाहन बीमा होता है, कार इंश्योरेंस, ये कैटेगरीज के अनुसार होता है। इसकी कई कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं, जैसे कार इंश्योरेंस, जो भी आपकी प्राइवेट कार होती है, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, दोपहिया वाहन बीमा, कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस, जो भी व्यावसायिक भवन होते हैं, जैसे टैक्सी कैटेगरी के जितने भी होते हैं या एग्रीकल्चर, इनको व्यावसायिक वाहन बीमा के अंदर कवर किया जाता है। कार इंश्योरेंस कराने पर किसी हादसे की स्थिति में वाहन को होने वाले नुकसान की भरपाई की सुविधा मिलती है, जैसे प्राकृतिक आपदा, नेचुरल क्लाइमेट्स, या मानव जनित हादसे की स्थिति में भी वाहन को होने वाले नुकसान की भरपाई भी इस इंश्योरेंस के तहत कवर होती है। बहुत सी कंपनियां कार बीमा के साथ उसी के एक हिस्से के रूप में मेडिकल इंश्योरेंस भी उपलब्ध कराने लगी हैं। कार इंश्योरेंस आपके वाहन से हुए हादसे की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को हुए नुकसान पर कानूनी देनदारियां निपटाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। वाहन ड्राइवर भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज का लाभ पाने का अधिकारी होता है। इतना ही नहीं, सवारियों, सहयात्रियों के लिए भी कवरेज लेने का विकल्प होता है। हालांकि जितना ज्यादा कवरेज बढ़ता है, पॉलिसी का प्रीमियम भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। अगर आप कार इंश्योरेंस कराते हैं तो जो भी किसी भी तरह का डिजास्टर होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलती है, जिससे आपका नुकसान कम से कम हो सके। दो पहिया बीमा, टू व्हीलर इंश्योरेंस। इस तरह के बीमा सड़क हादसों के अलावा प्राकृतिक व मनुष्य के हाथों हुए हादसों पर भी सुरक्षा प्रदान करता है। सामान्यतः ये बीमा 1 साल के लिए होता है। बीमा कंपनियों को टू व्हीलर इंश्योरेंस के साथ 1 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी देना अनिवार्य होता है। प्रीमियम बढ़वाकर आप सवारियों के लिए भी बीमा ले सकते हैं, लेकिन अब भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की ओर से दीर्घकालिक दो पहिया वाहन की सुविधा भी शुरू की गई है। इस पॉलिसी के तहत कोई व्यक्ति एकमुश्त 3 साल के लिए भी वाहन बीमा करवा सकता है। दो पहिया वाहन बीमा के तहत भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के साथ साथ खुद के वाहन को हुए नुकसान की भरपाई की सुविधा भी दी जाती है। व्यावसायिक वाहन बीमा, ऐसे सभी वाहन जिनका प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होता है, जैसे कि बस, ट्रक, एम्बुलेंस, लोडर, कैंटर, मल्टी यूटिलिटी वाहन, कृषि वाहन वगैरह, इनका बीमा व्यावसायिक वाहन बीमा के तहत होता है।
कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस भी हादसा या आपदा की स्थिति में हुए नुकसान से निपटने की सुरक्षा प्रदान करता है। रोड एक्सीडेंट की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान की भरपाई के अलावा मौत या शारीरिक क्षति के क्लेम की सुविधा भी इस तरह की बीमा पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। बीमा पॉलिसी का प्रीमियम निर्धारित करते वक्त कमर्शियल व्हीकल के मेक और मॉडल के साथ साथ रजिस्ट्रेशन का स्थान, निर्माण वर्ष, तत्कालिक शोरूम कीमत वगैरह का ध्यान रखा जाता है, और ये भी कि व्यक्ति है या कोई कंपनी जो बीमा करा रहा है, व्यावसायिक वाहन बीमा के अंतर्गत होता है। वाहन बीमा पॉलिसी, दोस्तों जो वाहन बीमा पॉलिसी होती है, व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ये दो तरह से आती है। एक होती है कंप्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कंप्लीट कवर करती है, और एक होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी, जो सिर्फ थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज को ही कवर करती है। आइए जानते हैं कंप्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है। कंप्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, इसे संपूर्ण बीमा पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें आप वाहन से किसी दूसरे वाहन, व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान का मुआवजा तो बीमा कंपनी भरती ही है, आपके खुद के वाहन को हुए नुकसान की भरपाई भी बीमा कंपनी करती है। यानी कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और ओन डैमेज कवर दोनों का फायदा कंप्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके वाहन से किसी अन्य वाहन, व्यक्ति या संपत्ति को जो भी नुकसान पहुंचता है, अगर आपकी गाड़ी किसी से टकरा गई है, उसको कोई नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से होती है। ऐसी घटनाओं के बाद मुआवजा निर्धारण के लिए जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, उनसे निपटने की जिम्मेदारी भी बीमा कंपनी की ही होती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ आपको 15 लाख का कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है। इससे वाहन मालिक की मौत या परमानेंट विकलांगता की स्थिति में 15 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है। लेकिन आपके खुद के वाहन को हुए नुकसान का मुआवजा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी से नहीं मिलता है। इसके लिए आपको ओन डैमेज कवर लेना पड़ेगा, जो कि कंप्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर ही मिलता है। एड ऑन इंश्योरेंस, कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस लेने पर आपको कई प्रकार के एड ऑन कवर्स भी जुड़वाने की सुविधा मिलती है। मतलब अगर आप चाहें तो स्पेशल जो फैसिलिटीज होती हैं वो भी आप एड ऑन करा सकते हैं। आप जिस तरह का एड ऑन इंश्योरेंस अपनी मुख्य बीमा पॉलिसी के साथ जुड़वा लेंगे, उसी तरह की अतिरिक्त बीमा सुरक्षा का लाभ आपको अलग से मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि हर एड ऑन पॉलिसी का प्रीमियम भी अलग से जुड़ता है, जिससे आपको बीमा पॉलिसी भी उतनी ही महंगी पड़ती है। कुछ प्रमुख प्रकार के एड ऑन इंश्योरेंस इस प्रकार से हैं जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एड ऑन कवर्स, जीरो डेप्रिसिएशन कवर, आपकी जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है कम हो जाती है, लेकिन अगर आप जीरो डेप कवर लेते हैं तो इससे आपको उसका पूरा क्लेम मिलेगा, आपको कुछ भी पैसा कटेगा नहीं। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन, अगर आपने पॉलिसी ईयर में किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं किया है, कोई भी क्लेम नहीं लिया है, तो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका अमाउंट कम हो जाता है। इंजन प्रोटेक्शन कवर, इंजन को नुकसान पहुंचने पर उसका मुआवजा भी पाने के लिए आप इसका कवर ले सकते हैं। रोड साइड असिस्टेंट कवर, किसी हादसे के बाद घटना स्थल पर ही मदद प्राप्त करने के लिए ये कवर आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। पैसेंजर कवर, गाड़ी में मौजूद सवारियों को नुकसान पहुंचने पर मुआवजा मिलने के लिए। रिटर्न टू इनवाइस कवर, हादसा होने पर गाड़ी की रसीद में दर्ज दाम के बराबर उसकी कीमत प्राप्त करने के लिए ये कवर लिए जाते हैं।
दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट करके बताइए हम किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो प्रेजेंट करें। धन्यवाद।